जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। रुद्रप्रयाग से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। 24 घंटे में 47 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं, और देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं। अब तक बताया जा रहा है 77 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। बता दें कि बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों की आग और विकराल होती जा रही है। सूखी लकड़ियों में आग तेजी के साथ फैलती जा रही है। हालांकि जगह जगह आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक रुद्रप्रयाग की तस्वीर है जो कल की, और दूसरी कल की नैनीताल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो नैनीताल और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के जंगलों में इस वक्त जबरदस्त आग लगी हुई है। तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की ऐसी घटनाएं हर बार हर साल गर्मी के मौसम में सामने आती हैं। आपको उत्तराखंड से बता देते हैं, उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। रुद्रप्रयाग से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। 24 घंटे में 47 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं, और देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं। अब तक बताया जा रहा है 77 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। बता दें कि बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों की आग और विकराल होती जा रही है। सूखी लकड़ियों में आग तेजी के साथ फैलती जा रही है। हालांकि जगह जगह आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक रुद्रप्रयाग की तस्वीर है जो कल की, और दूसरी कल की नैनीताल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो नैनीताल और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के जंगलों में इस वक्त जबरदस्त आग लगी हुई है। तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की ऐसी घटनाएं हर बार हर साल गर्मी के मौसम में सामने आती हैं।